Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. प्यार की विशेष बात यही है कि प्यार कास्ट, रिलिजन और क्लास जैसी चीजों से परे है। कब कौन किससे प्यार कर बैठे ये तय नहीं होता है। एपिक टेल्स ऑफ लव में आज हम ऐसी प्रेम कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक राजा को एक तवायफ से प्यार हो जाता है और उन दोनों के मिलन से दोनों कम्युनिटीज में कोलाहल मच जाता है। ये कहानी है सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रंजीत सिंह और मोरा सरकार की। रंजीत सिंह सिख एम्पायर के पहले महाराजा बने जिन्होंने नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर 1801 से लेकर 1839 तक पैर जमाए रखे। महाराजा रंजीत सिंह सिख राजाओं के सबसे बहादुर और ताकतवर राजाओं में से एक थे, जिसके कारण लोग उन्हें शेरे पंजाब भी कहते थे। रंजीत सिंह कद में काफी छोटे थे, बचपन में चेचक हो जाने की वजह से उनके चेहरे पर दाग रह गए थे और उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इसके बावजूद वो बेहद सफल रहे। रंजीत सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्हें लोगों की अच्छी पहचान थी और वो धार्मिक कट्टरपंथी से दूर रहते थे। रंजीत सिंह की प्रजा को उनसे बड़ा लगाव था, इसलिए जब वो राजा बने तो लोगों ने उनकी जीत का जश्न कई दिनों तक जारी रखा। रंजीत सिंह को मनोरंजन का बहुत शौक था। एक दिन उनके दरबार में मोरा नाम की एक बड़ी ही खूबसूरत तवायफ ने नृत्य किया और उसका नाच देखकर रंजीत सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। रंजीत सिंह मोरा की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि वो उसे अपने मन से निकाल नहीं पाए। मोरा का गांव मखनपुर अमृतसर के पास हुआ करता था, तो वो जब भी लाहौर और अमृतसर के बीच सफर करते थे तो अटारी के पास उनके द्वारा बनवाए गए बारादरी में मोरा से मिला करते थे। वो अक्सर मोरा को कीमती तोहफों से नवाजते थे और उनमें से एक थी बड़ी ही खूबसूरत चांदी की चप्पलें। एक दिन जब मोरा पास की एक कनाल को पार करके रंजीत सिंह को मिलने आ रही थी तो उनकी चप्पल कनाल में गिर गई। रंजीत सिंह को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शाहजहां द्वारा बनवाई गई उस कनाल पर एक ब्रिज बनवा दिया और इस ब्रिज का नाम पुल कंजरी पड़ गया। आज भी इस पुल को पुल कंजरी या पुल मोरा कहा जाता है। दोनों की ये मुलाकातें जल्द ही प्यार में तब्दील हो गईं और रंजीत सिंह ने मोरा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन इस बात पर काफी बवाल हुआ। मोरा मुसलमान थी और उनके पिता और उनकी कम्युनिटी के लीडर ने इस बात पर एतराज किया, मगर रंजीत सिंह ने अपने आचरण और बर्ताव से उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मोरा को खुश रखेंगे। लेकिन और भी लोग थे जिन्हें इस शादी से एतराज था। अमृतसर के सिख समुदाय अकाल तख्त के पास जब ये बात पहुंची कि महाराजा रंजीत सिंह ने एक मुसलमान लड़की से शादी की है और वो भी एक तवायफ से, तो वो इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने महाराज को अमृतसर हाजिर होने के लिए कहा। अकाल तख्त सिख समुदाय के 5 तख्तों में से खालसा के सांसारिक गतिविधियों का सर्वोच्च तख्त है, तो भले ही रंजीत सिंह एक सिख राजा थे जिन्हें महाराजा की उपाधि दी गई, पर उनका राज्याभिषेक सिख समुदाय के डेमोक्रेटिक स्वभाव को न बिगाड़ पाया। अकाल तख्त ने महाराजा रंजीत सिंह को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अपनी कौम को बेइज्जत करने के जुर्म में दोषी ठहराया और उन्हें 100 कोड़े की सजा सुनाई। रंजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास था और वो अपनी गलती की माफी मांगते हुए विनम्र भाव से अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो गए। उनकी कमीज उतारी गई और उन्हें सजा पाने के लिए एक पेड़ से बांध दिया गया। उनको इस हाल में देख वहां उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। ये पूरा माहौल देख के अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने
घोषित किया कि रंजीत सिंह ने महाराज होते हुए भी अपनी गलती को स्वीकारा और अकाल तख्त के फैसले को बिना किसी विरोध के मान्य किया, तो इस बात की इज्जत करते हुए उन्हें माफ कर दिया गया और उन्हें सजा के तौर पर सिर्फ एक कोड़ा मारकर बख्श दिया गया। शादी के बाद मोरा ने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया और वो लाहौर चली गई रहने। वहां के लोगों के लिए मोरा ने बहुत अच्छे काम किए, गरीबों की सहायता करना, लोगों को इंसाफ दिलाना, इसे मोरा ने अपना मकसद बना लिया था। रंजीत सिंह ने मोरा को अपने धर्म का पालन करने से कभी नहीं रोका, बल्कि मोरा के कहने पर उन्होंने लाहौर में एक मस्जिद भी बनवाई जो मस्जिद तवायफ के नाम से पॉपुलर हो गई। 1998 में इस मस्जिद का नाम बदलकर माई मोरा मस्जिद रखा गया। मोरा ने एक मदरसा भी बनवाया जो बाद में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन गया, जहां पर्शिया और अरेबिया से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। रंजीत सिंह ने मोरा के नाम से सिक्के भी बनवाए जिन्हें मोरा शाही कहा जाता था। ये बात साबित करती है कि रंजीत सिंह मोरा को कितना चाहते थे, क्योंकि खुद महाराज होने के बावजूद उन्होंने अपने नाम से सिक्के कभी नहीं जारी किए। 1830 के बाद महाराजा रंजीत सिंह की तबीयत में काफी फर्क आया और 27 जून 1839 की रात को उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह ने तख्त संभाला। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद मोरा के बारे में हिस्टोरियंस को भी ज्यादा मालूमात नहीं है, पर काफी लोगों का यह कहना है कि मोरा ने अपनी कौम और समाज की सेवा जारी रखी। मोरा सरकार पर भारतीय और पाकिस्तानी लोगों के विचार बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। एक तरफ लोग उन्हें तवायफ और कंजर जैसे अपशब्द कहकर पुकारते हैं, तो दूसरी तरफ लोग उन्हें माई मोरा और बीबी मोरा का दर्जा देते हैं। मगर कोई कुछ भी कहे, एक बात तो तय है कि रंजीत सिंह ने उन्हें जीवन भर अपनी पलकों पर बिठा के रखा। लाहौर में रंजीत सिंह द्वारा बनवाई गई माई मोरा मस्जिद आज भी मौजूद है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। माई मोरा के नाम से यह मस्जिद सबूत है रिलीजियस हार्मनी का और बे इंतहा प्यार का, जिसे बनवाने वालों ने धर्म, जात और समाज को कभी अपने बीच आने नहीं दिया। ये कहानी है राणा महेंद्र और मूमल की, जिन्हें राजस्थान के रोमियो जूलियट भी माना जाता है, जो राजस्थानी कल्चर का एक हिस्सा होने के साथ साथ असीम प्यार और बलिदान की मिसाल है। हाले नी मूमल मारी अमराणे रे देश।